सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूं। आइए वचन को देखते हैं। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 43 वचन 10 से। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 43 वचन 10 से आइए देखते हैं। यहोवा की वाणी है, तुम मेरे साक्षी हो और मेरे दास हो, जिन्हें मैंने इसलिए चुना है कि समझकर मेरी प्रतीति करो, जिन्हें मैंने इसलिए चुना है कि समझकर मेरी प्रतीति करो, यह जान लो कि मैं वही हूं, यह जान लो कि मैं वही हूं, मुझसे पहले कोई परमेश्वर न हुआ और न मेरे बाद कोई होगा, मैं ही यहोवा हूं और मुझे छोड़ कोई उद्धारकर्ता नहीं। कहता है कि मैं ही यहोवा हूं, मुझे छोड़ कोई उद्धारकर्ता नहीं। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां परमेश्वर की वचन बता रही है कि परमेश्वर यहोवा कहता है कि तुम मेरे साक्षी हो, तुम मेरे दास हो। वह अपने हर विश्वास करने वाले के लिए, अपने हर एक उन व्यक्तियों के लिए जो उसे प्रेम रखते हैं, उसके मार्गों पे चलते हैं, उनके लिए कहता है कि तुम मेरे साक्षी हो, यानी मेरे गवाह हो, कि जो काम मैं तुम्हारे बीच में करता हूं तुम क्या करते हो, उसकी गवाही देते हो। मैं तुम्हारे सामने अपने कामों को प्रकट करता हूं ताकि तुम मेरी गवाही हो। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, जितने भी विश्वासी जन हैं वह सब के सब परमेश्वर के साक्षी यानी गवाह हैं, क्योंकि प्रभु उनके जीवन में भी चमत्कार करता है तो भी वह क्या करते हैं, अपनी गवाही देते हैं। कहता है मेरे कामों के तुम गवाह हो और मेरे दास भी हो। कहता है तुम मेरे दास भी हो और तुम मेरे गवाह भी हो। कहता है कि जिन्हें मैंने इसलिए चुना है, कहता है कि तुम्हें तो मैंने इसलिए चुना है कि तुम समझकर मेरी प्रतीति करो। कहता है मेरे इन कामों को, मेरे इन बातों को के विषय में तुम समझो और समझकर मेरे ऊपर विश्वास करो, प्रतीति कर लो, विश्वास करो, मान लो और यह जान लो कि मैं वही हूं। प्रतीति करके यानी विश्वास करके ये बात जान लो कि मैं वही परमेश्वर हूं, कि मुझसे पहले कोई परमेश्वर न हुआ और ना ही मेरे बाद कोई होगा। कहता है कि मैं वही परमेश्वर हूं, मुझसे पहले कोई परमेश्वर न हुआ, मैं नहीं मेरे बाद कोई होगा। कहता है जो सृष्टि की उत्पत्ति किया है, जिस परमेश्वर ने सृष्टि की उत्पत्ति किया, संपूर्ण सृष्टि को बनाया, और जिस परमेश्वर ने तुम्हें मां के गर्भ में रचा, कहा कि मैं वही परमेश्वर हूं। कहता मुझसे पहले ना ही कोई परमेश्वर हुआ और ना ही कभी होगा। कहता मुझसे पहले ना ही कोई परमेश्वर हुआ और ना ही होगा। कहता मैं वही परमेश्वर हूं, मुझसे पहले कोई परमेश्वर नहीं था और ना ही इससे मैं है कोई मेरे बाद और ना ही मेरे बाद कोई होगा। कहता है मैं ही यहोवा हूं और मुझे छोड़ तुम्हारा उद्धार का काम करने वाला कोई नहीं है। कहता है मैं ही हूं जो तुम्हारा उद्धार करता, मैं ही हूं जो तुम्हें पापों से क्षमा देता हूं, मैं ही हूं जो तुम्हें पापों से मुक्त करने वाला, मुझे छोड़ तुम्हारा कोई उद्धार करता नहीं है, मुझे छोड़ तुम्हें क्षमा देने वाला कोई नहीं है, मैं ही हूं जो तुम्हें पापों से क्षमा दूंगा और तुम्हें स्वर्ग का राज्य दूंगा, स्वर्ग के राज्य का सारा अधिकार मेरे पास है। कहता है मैं ही तुम्हें देने वाला हूं, इसलिए तुम क्या हो, मेरे इन सारी बातों का, सारे कामों का गवाह हो और उसके साथ तुम मेरा दास हो। मैंने तुम्हें चुना है और इसलिए चुना कि तुम मेरे विषय में जान जाओ, मेरे सारे कामों के विषय में जानकर तुम प्रतीति कर लो, विश्वास कर लो,
कि मैं वही परमेश्वर। इसलिए मेरे प्यारे बहनों, आप जिस परमेश्वर की आराधना करते हो, प्रार्थना करते हो, विश्वास करते हो, यह परमेश्वर वही परमेश्वर है जिसने संपूर्ण सृष्टि को बनाया। यह परमेश्वर वही परमेश्वर जिसने आपको मां के गर्भ में रचा। यह परमेश्वर वही परमेश्वर जो सृष्टि को संभाले रहता है, जो आपको सांसें देता है। और वह बताना चाहता है कि आप इस बात को जान लो कि तुम आओ आने वाली वंशजों में, आने वाली पीढ़ियों में क्या करो, तुम गवाही दो। इसलिए तुम्हें मैंने गवाह बनाया है। हम परमेश्वर के गवाह हैं, हम परमेश्वर के दास हैं। परमेश्वर ने हमें इसलिए चुना कि हम उसके विषय में जाने और एक दूसरे में गवाही दें। और इस बात को हम जान पाए कि उस परमेश्वर के सिवा कोई और परमेश्वर नहीं, क्योंकि वही है जो हमारा उद्धार करने वाला है। आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है। यदि आप उस परमेश्वर से उद्धार की आशीष पाना चाहते हो तो पूरे विश्वास में भर जाइए, आंखों को बंद करिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। जरूर है कि इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपके जीवन में आशीष देगा। भाई आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास और ये धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले परमेश्वर, तेरा धन्यवाद महिमा करता है। इस मसीह तेरे नाम में प्रार्थना करता पिता, अपने पवित्र तेजस्वी सामर्थी बलवंत हाथों को बढ़ाकर हे परमेश्वर, हर एक के जीवन में तू अपनी महिमा की आशीष भर दे, ताकि जितने लोग प्रार्थना सुन रहे प्रभु, हर एक के जीवन में अद्भुत चमत्कार होने पाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जितने प्रार्थना सुनने वाले लोग, इनके द्वारा जितने पाप, जितने गुनाह हुए प्रभु, हर पाप हर गुनाहों को क्षमा कर दे। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि इनके जीवन में जितने भी शैतान की हरकतें बिल्कुल दूर हो जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, इनके ऊपर अपनी दया दृष्टि डाल कि इनके द्वारा कोई पाप कोई गुनाह ना होने पाए। हे परमेश्वर, इनके जीवन में जितने भी दुख तकलीफें हैं बिल्कुल खत्म कर मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं पूरे दिन जहां भी रहे सुरक्षित भले चंगे रहे, इनके जीवन में कोई दुख कोई तकलीफ कोई समस्या विपत्ति बीमारी कलेश पद्र कोई प्रकार की दुर्घटना हो तो हे परमेश्वर बिल्कुल खत्म होने पाए और ये सारी विपत्तियां इनके जीवन से टल जाए और इनके जीवन में कोई भी प्रकार की विपत्ति ना आने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, जैसा वचन में लिखा गया, जो विश्वास करता लज्जित नहीं होता, इस सब तेरे विश्वास से प्रभु इन सब के विश्वास के अनुसार इनके जीवन में अद्भुत चमत्कार होने दे प्रभु। जैसा आपने वचन में कहा कि यदि तू परमेश्वर को शरण स्थान और धाम मान लिया, कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, ना ही कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। परमेश्वर यहोवा अपने स्वर्ग के दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, तू जहां कहीं जाए तेरी रक्षा करे। महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, अपने स्वर्ग दूतों को उनके लिए आज्ञा दे कि स्वर्ग दूत इनके प्राणों की रक्षा करें, जीवन की रक्षा, शरीर की रक्षा करें। शरीर में जितने दुख तकलीफ बीमारियां बिल्कुल बाहर निकल नहीं पाए, दुष्ट आत्मा निकल जाए प्रभु। हम प्रार्थना करते पिता, जिनके सर में दर्द हो सर का दर्द निकल जाए, बदन में दर्द हो बदन का दर्द निकल जाए, आंखों की तकलीफें निकल जाए, कान की तकलीफें नाक की तकलीफें निकल जाए, मुंह में कोई तकलीफ हो तो निकल जाए, गले में तो गले की तकलीफें निकल जाए, सीने में दर्द पीड़ा या कोई बीमारी हो तो निकल जाए, हार्ट की बीमारी निकल जाए, पेट के अंदरूनी हिस्से में कोई बीमारी हो तो बिल्कुल बाहर निकल जाए, कमर का दर्द कमर का चुभन नष्ट हो जाए। हे परमेश्वर, रीढ़ की हड्डियों का दर्द निकल जाए, घुटने का दर्द निकल जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते ब्लड प्रेशर शुगर की बीमारी निकल जाए। हे परमेश्वर, दमा एचआईवी टीबी कैंसर नष्ट हो जाए, ब्लड कैंसर नष्ट हो जाए। हे परमेश्वर, जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता बनने लगे, जिसका लीवर खराब हो चंगा हो जाए, किडनी खराब हो चंगी हो जाए। हाँ मेरे प्रभु, गैस की बीमारी निकल जाए प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं। सूजन हो तो सूजन नष्ट होने पाए, अपेंडिक्स की बीमारी हर्निया नष्ट हो जाए, फाइलेरिया थायराइड निकल जाए, हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, लकवे का बीमार हो तो चंगा हो जाए, ट्यूमर की बीमारी बवासीर की बीमारी निकल जाए, पतली हो तो पतली नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूँ कि जुकाम खांसी बुखार निकल जाए, टाइफाइड मलेरिया उल्टी दस्त की बीमारी, पेचिस बनना बंद हो जाए, किसी भी प्रकार के चर्म रोग खाज खुजलिया नष्ट हो, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे सफेद दाग नष्ट हो, पीलिया स्नोफीलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, उनके शरीर से लहू पानी की बीमारी हो तो निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं कि परमेश्वर, इनके शरीर के अंदर यदि दुष्ट आत्मा की तकलीफ हो, आदेश करता हूं दुष्ट आत्मा इसी क्षण शरीर छोड़ो, निकल जा। ओ परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हरि को अपनी ज्ञान अपनी बुद्धि से भर दे कि हर कोई तेरे ज्ञान और बुद्धि को पाकर तृप्त हो जाए। परमेश्वर, आकाश का झरोखा खोल, आशीष की बारिश होने दे। हाँ मेरे प्रभु, जितने पढ़ाई लिखाई करते हैं उनकी पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे, पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन के हर लक्ष्य को प्राप्त करने पाए। जितने कमाने वाले लोग हैं उनके कमाई पे आशीष दे, उनके रोजी रोजगार काम धंधे बिजनेस व्यापार पे आशीष दे, बढ़ोतरी बरकत हो। जिसके पास कोई रोजगार नहीं रोजगार मिले, नौकरी नहीं नौकरी मिले, जो गरीबी के श्राप में छुटकारा पाए, कर्जा अदा हो जाए। हाँ मेरे प्रभु, प्रार्थना करते पिता,
कि हे परमेश्वर हर प्रकार के तकलीफों से इन्हें छुटकारा दे, हर प्रकार के समस्याओं से इन्हें छुटकारा दे। मेरे महान परमेश्वर जितनी प्रार्थना सुन रहे हैं, हाँ मेरे प्रभु हम प्रार्थना करते अपने आकाश का झरोखा खोल, स्वर्ग का द्वार खोल और स्वर्गीय आत्मा हरे के ऊपर आने दे। ओ पवित्र आत्मा हरे को छू और हरे को हे परमेश्वर अपनी सामर्थ्य भर दे। पवित्र आत्मा हरे को छू ले महान परमेश्वर अपने स्वर्गीय आत्मा के द्वारा हरि को भर दे। ओ पवित्र आत्मा हरि को स्पर्श कर, अपनी सामर्थ हरि के अंदर दे, अपनी सामर्थ दे ताकि हर कोई आत्मा और आत्मा की सामर्थ में भर जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर पवित्र आत्मा की सामर्थ से हरि को भर दे ताकि हर कोई आत्मा के द्वारा चलाए हुए चलने पाए और आत्मा के सामर्थ में भरने पाए और बढ़ने पाए। मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना कर देविता इनके जीवन के हर क्षेत्र में तू आशीष दे ताकि इनका जीवन तेरे अनमोल आशीषों से भर जाए। इनके भीतर जो घरेलू विवाद है परमेश्वर सारा विवाद समाप्त हो जाए, लड़ाई झगड़े बिल्कुल खत्म हो जाए, पति पत्नी के बीच के विवाद समाप्त होने पाए, जिनका जमीनी मुकदमा बिल्कुल खत्म हो जाए, घरेलू मुकदमा बिल्कुल खत्म होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर हर प्रकार के मुकदमों से मुक्त करके इनके जीवन में अपने अद्भुत कामों की अपने अद्भुत कामों को प्रकट कर ताकि अद्भुत कामों के द्वारा इनका जीवन तेरे अनमोल आशीषों से भर जाए। हे परमेश्वर जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, इस प्रार्थना के द्वारा हर के जीवन में अनमोल आशीष हो और उनके जीवन में अद्भुत चमत्कार होने पाए। वो महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता यीशु राजा तेरे नाम में हरेक के लिए तेरी आशीष और चंगाइयां मांगते हैं। आमेन। परमेश्वर हरेक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।